वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल प्रेम के ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अनुज और मैं निकल चुके हैं। मौसम हो रहा था सुहावना और ये बोला चलो चलते हैं जिंदल चौक, इसको पीनी थी चाय और कुछ सामान भी लेके आना। तो घर पे चाय नहीं पीता, इसको जिंदल चौक की आदत लगी हुई है तो वहीं जाके ज़्यादातर चाय पीता है ये। तो हम निकल चुके हैं घर से बाहर, मतलब जिंदल चौक के लिए। तो अनुज ने उस लड़के के साथ कर ली मारधाड़। आपने देखा किस तरह उसने धमकाया, इसने धमकाया और यही बोला भाई निकल ले फटाफट। तो हम जैसे बारिश थोड़ी शांत हुई, हम वहाँ से बाइक लेके चल पड़े जिंदल चौक की ओर। रास्ता थोड़ा बहुत भीगा हुआ, ज़्यादा नहीं कि बहुत दिन बाद यहाँ पे बारिश हुई थी। तो थोड़ी दूर आगे हमें जाने पर दिखता है कि यहाँ पर चिड़ियाघर से दो जिराफ लंबे गर्दन वाले भाग के आए हुए थे। क्यों, उनके पास कोई मशीन नहीं मिले तो उन्होंने जिराफ को बुला रखा था, किस लिए, पुल के पिलर ऊपर खुवाने के लिए। आप सामने देख सकते हो बेचारों से किस तरह मेहनत कराई जा रही है। उसके बाद हमें थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जो बस स्टैंड पे जो गुजरी महल है उसकी एक गुफा दिखी। देख, हम और इस गुफा के अंदर चल पड़े जो कि रास्ता बिल्कुल खाली था। और अनुज ने बाइक जाने दी सीधा लेके राम का नाम। ये है हमारा जिंदल चौक जहाँ पे हमें सामान लेने आना था। तो फिलहाल हम देख के करते हैं रोड पार, क्यों काम का कोई हमारे बाइक के नीचे दब जाएगा तो हमें उसका क्लेम और लेना पड़ जाएगा उल्टा। तो हमने शांति से सामने वाले को ना रुकवा कर हमने अपनी बाइक रोक ली और हमने आराम से तसल्ली से जगह देखकर, जैसे भीड़ शुरू हुई वैसे हमने बाइक पार कर ली और हमें जहाँ जिस दुकान से सामान लेने चलते हैं उस दुकान के आगे। तो घर से निकलने के बाद बारिश के गोलों के साथ, चिड़ियाघर के जिराफ के साथ, गुजरी महल की गुफा को पार करते हुए हम अपनी मंजिल जीत बेकरी पे पहुंच चुके हैं। जिंदगी में इस पहली बार पेट जलाते हुए हमको जो यहाँ से सामान लेना था वो हमने यहाँ से जिंदल चौक से ले लिया था। अनुज अपने चाय जहाँ से वो पीते उसने पी ली। उसके बाद हम चल पड़े अपने वापस घर की तरफ, क्यों हमने ले लिया था अपना सामान तो हमें यहाँ पर उन्हें कोई फ़ायदा था नहीं। तो हम चलते हैं फटाफट पहले अपने घर की तरफ, उसके बाद का है असली प्रोग्राम। लेंस का दुकान पर जल्दी जल्दी विजिट करो। लेंस नहीं आई है, लेंस कौन सी लेंस? लेंस लेंस होता क्या? साफ कर दिए ये के? अरे भाई गिर गया एक। अरे जरूरी तो ऐसे बोला नहीं, आड़े देखा बार आड़े भी देखा है सारा भगवान ही दिखा दे। किन्हें क्या भाई, तो हम गए थे जिंदल चौक पे गिफ्ट लेने के लिए। उसकी पैकिंग करवाई हमने तरुण भैया के दुकान पे, इनके जिंदल श्रृंगार शॉप के नाम से शोई फ्लोर में शॉप है। तो ये अंकल जी ने कर दिया गिफ्ट पैक और अब इससे अनुज से पूछेंगे कर क्या रहे ये एस के सी के लिए। हाँ, एस के सी एस सी में ऑफर चला दिया है, 51वें कस्टमर को 51 कस्टमर को गिफ्ट दिया जाएगा। 51-50 जो भी है उस कस्टमर को नाम गिफ्ट दिया जाएगा। अच्छा हाँ चलो भाई देखते हैं गिफ्ट में किसके नाम में गिफ्ट मिलता है। तो दोस्तों बात ऐसी है, एस के सी जो शॉप है इसके ऊपर जो 51 नंबर पे जो कस्टमर आएगा उसको ये गिफ्ट दिया जाएगा। ये अनुज की तरफ से है ये गिफ्ट एस के सी की तरफ से। तो देखते हैं वो 51 नंबर पे जो कस्टमर आता है किसके हाथ में ये गिफ्ट जाएगा किसके नहीं जाएगा वो तो टाइम बताएगा। फिलहाल में सबसे पहला तो ये बैठा सन्नी टॉक। चैलेंज शुरू हो चुका है, कस्टमर को किसी को नहीं पता कि गिफ्ट किसके लिए है। ये हमने पर्चा लगा दिया, जो 51वें नंबर पे आएगा उनके नाम हम लिखते जाएंगे और जो 51 नंबर पे आएगा उनको कस्टमर को गिफ्ट मिला जाएगा। कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं अपना काम करवा रहे हैं लेकिन जो 51 नंबर पे आएगा उसी को गिफ्ट दिया जाएगा। अब देखते हैं कि 51 नंबर पे गिफ्ट किसके हाथ में जाता है ये। तो हमको करना है क्या, वेट भाई तेरा नाम क्या फिर कराऊंगा हम तो डाक कौन देखे जानता भाई हो अपने कॉलोनी का डाकिया जय किसी के मेरा रहता बता दियो भाई। अरे ऑर्डर कटा रहे भाई कहिया के जिनके ऊपर कोई नंबर नहीं है। अरे एक नाम डाक ले जा, दो डाक ले जा रहे हो। आठ वेट कस्टमर की हम कर रहे हैं वेट, जो आठवां कस्टमर है वो बनेगा हमारा 51वां कस्टमर, ठीक है। उसके लिए गिफ्ट हैम्पर है SKCSC की तरफ से, ये फ्री में दिया जाएगा उस बंदे को। अब वो चाहे लेडीज हो जेंट्स कोई भी, लेडीज जेंट्स
बच्चा वाला ट्रांसजेंडर कुछ भी हो। तो दोस्तों सिर्फ 8 कस्टमर रह चुके हैं, यहाँ पे लोग आना कर दिया शुरू। अब यहाँ पे रह चुके सिर्फ 4 कस्टमर। अब देखो 4 कस्टमर में ये गिफ्ट किसके हाथ में जाता है, फिलहाल हम करेंगे वेट, लेकिन किसी को पता नहीं कि चौथा कस्टमर अपना कौन हो सकता है। ₹30 ले भाई, अनुज ले भाई, कस्टमर का लास्ट नाम लिखा जा रहा है। क्या नाम मंगल आपका? क्या नाम? अशोक कुमार शर्मा। अशोक कुमार, आपका पार्सल आ रखा है, पार्सल ले जाओ। आपका पार्सल आ रखा है, ये आपका पार्सल है। भाई साहब ये बताओ, मकान इसका, बिजली का मीटर इसके नाम से, तो बिल वो उसी को भरना चाहिए हमारे, हमसे भरवाओ बार बार। और ये गिफ्ट है हमारी SKCSE की तरफ से अंकल को। अंकल हमारे कैमरे कस्टमर रह चुके हैं, तो हमने ये गिफ्ट जैसे कि लाया था, पता था जो हमारे कैमरा नंबर पे कस्टमर आएगा उनके लिए ये गिफ्ट हमने निकलवाया था, और ये इनको दिया जा रहा है की तरफ से ये गिफ्ट, क्योंकि अंकल हमारे 51 नंबर के कस्टमर रह चुके हैं दूसरे दिन के अंदर, डेढ़ दिन के अंदर अंदर। अंकल का अंकल तो बन गया था, फिर भी कोई नहीं, अंकल दे दिया गिफ्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अंकल आपका ले जा सकते हैं आप ये।